डॉक्टर ऋषिकेश मीना लिखते हैं, आरक्षण की वजह से ही देश बर्बाद हुआ है। यदि आप मानते हैं कि आरक्षण की वजह से ही देश बर्बाद हुआ है, तो फिर ये पोस्ट सिर्फ आपके लिए ही है। जरूर पढ़े। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तुम जो कहो वो सच, हम जो कहें वो झूठ। मुल्क में नफरत का ऐसा तूफान मचा डाला है। कुछ बुद्धिमान बोलते हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया है। अब आप बताइए कि देश आज़ाद होने के बाद 14 व्यक्ति देश के राष्ट्रपति बने, उनमें से कितने आरक्षण वाले बने? 15 प्रधानमंत्री बने, उनमें से कितने आरक्षण वाले बने? 43 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, कितने आरक्षण वाले बने? 19 मुख्य चुनाव आयुक्त बने, उनमें से कितने आरक्षण वाले बने? देश के जो बड़े घोटाले हुए उनमें कितने दलित घोटालेबाज है, बताएं ज़रा। आप बताइए भारत देश में कितने दलित लोग ऐसे बड़े कॉरपोरेट घरानों के व्यवसायी है जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। अब आप बताइए देश को बर्बाद कौन कर रहा है? अगर संभावित ब्लैक मनी वालों की लिस्ट देखे तो कोई आरक्षण वाला नजर नहीं आता, तो फिर देश को बर्बाद कौन कर रहा है? जितने लोग बैंकों का रुपया हजम करके बैठे हैं या भाग गए, उनमें कितने आरक्षण वाले हैं? शायद कोई नहीं, तो फिर देश को बर्बाद कौन कर रहा है? बड़े बड़े ठेकेदार जो सरकारी ठेके लेते हैं, रोड बनाते हैं, सरकारी बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनमें कितने आरक्षण वाले हैं? तो जवाब मिलेगा 1 या 2%। तो फिर इस देश को बर्बाद आरक्षण कर रहा है या फिर मेरिट वाले? जब ब्लैक मनी लिस्ट में एक भी नाम रिजर्व कैटेगरी के लोगों का नहीं है, सारे नाम जनरल के हैं, फिर भी कुछ बेवकूफ कहते हैं कि देश को रिजर्वेशन वाले बर्बाद कर रहे हैं। सच में इससे बड़ा जोक कोई और हो ही नहीं सकता। बोफोर्स तोप घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, सत्यम घोटाला, कालाधन घोटाला, स्टाम्प घोटाला, यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, सुखराम टेलीकॉम घोटाला, शेयर घोटाला, चीनी घोटाला, बहुत लंबी सूची है इन घोटालों की। ये सभी घोटाले क्या आरक्षण प्राप्त लोगों ने किए हैं? बताएंगे इसमें किसी दलित का नाम? कब तक बेवकूफ बनाते रहोगे? और हाँ, फिर भी हम लोग अपने हुनर और काबिलियत से थोड़ा सा आरक्षण का सहारा पाकर क्या कामयाब होने लगे? आपके पेट में मरोड़े उठने लगे? जिनको अपनी थोथी मेरिट पे घमंड है और आरक्षण से परेशानी है, वो अपने बच्चों को 5 साल वहां पढ़ाए जहां गरीब बच्चे अभाव में रहकर पढ़ते हैं, फिर देखना सारी मेरिट हवा न हो जाए तो कहना। और यदि कुछ तथाकथित उच्च वर्ग के लोग ये कहते हैं कि वो किसी से भेदभाव नहीं करते, तो उनसे एक ही सवाल है, क्या वो दलित परिवार से रोटी बेटी का रिश्ता करने को तैयार है? जातियां खत्म करने को तैयार है? अगर नहीं, तो फिर मान लीजिए अभी आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। निवेदन एवं आग्रह, समस्त SC ST समाज, आपको सिर्फ 10 लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड करना है और वो 10 लोग भी दूसरे 10 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करें। इस प्रकार 1 = 10%, ये 10 लोग अन्य 10 लोगों को मैसेज करेंगे और इस प्रकार। बस आपको तो एक कड़ी जोड़नी है, देखते ही देखते पूरा देश जुड़ जाएगा।